नमस्कार, अर्चना डेली किसीज में आपका स्वागत है। आज मैं वर्मी सिली का उपमा बनाने जा रही हूँ। ये आप ब्रेकफास्ट के रूप में खा सकते हैं और बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बनता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वर्मी सिली का उपमा बनाना। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है और उसमें एक चम्मच ऑयल डालेंगे और एक कप वर्मी सिली डालेंगे और इसको रोस्ट करेंगे। लगभग इसको एक मिनट तक रोस्ट करना है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, एक चम्मच ही डालना है और इसको रोस्ट करते रहना है। ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लेगा तब हम इसको निकाल लेंगे। अब ये तैयार हो गया, अब इसको हम निकाल लेंगे। अब हम फिर से कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालेंगे, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, और उसमें हाफ टी स्पून सरसों या राई डालेंगे इसमें। और राई जब थोड़ा सा पक जाए तब हम इसमें थोड़ी सी मूंगफली डालेंगे और मूंगफली को भी आधा मिनट तक लगभग रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा इसको पकाना है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब मैंने एक हरी मिर्च बारीक काट के डाल दिया है और तीन से चार करी पत्ता, थोड़ी सी पत्ता गोभी, थोड़ी सी गाजर बारीक काट के और थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक काट के और एक टमाटर बारीक काट के हम डाल देंगे। थोड़ी सी हरी मटर भी हम डाल देंगे और इसको चलाते रहेंगे। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे हम। इसमें हम एक टीस्पून नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद थोड़ा सा चला लेंगे इसको, जिससे सब्जियां सॉफ्ट होने लगेंगी। और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और सब्जियों को चलाते रहेंगे। सब्जियां जब थोड़ी पक जाए तब हम इसमें पानी डालेंगे। सब्जियां पक चुकी हैं, इसमें मैंने एक कप वर्मीसिली लिया है तो दो कप पानी डालेंगे। और पानी जब उबलने लगेगा सब्जियों के साथ तब हम इसमें वर्मीसिली डालेंगे। अब पानी उबलने लगा है, अब हम इसमें वर्मीसिली डाल देंगे और फिर हम इसको चलाते रहेंगे। एक कप वर्मीसिली तो दो कप पानी डालना पड़ेगा। पानी सूखने लगा है, इसका पूरा पानी सुखाना है और इसको दबा के देखेंगे। अगर ये अच्छे से दब जाता है तो ये पक चुका है और पानी भी सूख चुकी है। अब हम इसमें मूंगफली डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे। मूंगफली डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिला लेंगे। अब हम इसमें एक टेबलस्पून नींबू का रस डाल देंगे और फिर से इसको मिला लेंगे। अब ये तैयार हो चुका है, अब हम इसको सर्व करेंगे। इसको गरम गरम परोसें। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।